कांटों पे चल के फूल खिलते हैं, विश्वास पे चल के भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्तों, सुख में सब मिलते हैं लेकिन सिर्फ दुख में भगवान मिलते हैं। राम राम सा खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा। ट्विंकल वैष्णव कॉमेडी शो भाग 23 में आपका स्वागत है। भोपा जी भाव रमी ने जून सा धून सा हागो करियो। बोल प्रवीणिया, थने कई छे जे तू मांगे जको देऊ। तो प्रवीणियो उबो होयो ने बोलियो, भोपा जी जियो री सिम ने जिंदगी भर फ्री कर दो। और भोपा जी साइलेंट हो गया। अन थोड़ी देर पछे भोपा जी दाखल दी जोरदार और बोलिया, अरे प्रवीणिया मैं भरूजी रो बोपो हूँ, मुकेश ये रो कोनी। गन्ने के ठेले पर गन्ने का रस पीते पीते हार्ट अटैक आते आते बच गया। एक महिला इंप्रेशन झाड़ते हुए बोली, ब्रो प्लीज गिव मी कालो नमक। मार वाड़ रहा दो गेला रमेश यो प्रवीणियो। मुंबई री 85 मंजिल माते खड़ा हा। जीते रमेश यो बोलियो, कही रे प्रवीणिया। तो जीते प्रवीणियो कह रहे, कही है के रमेशिया अप ऑटो नीचे पड़ जाओ तो कई बची। जीते प्रवीणियो कह, की नहीं बचे रमेशिया। जीते रमेश कह, नहीं यार थोड़ो घणो तो की बची। तेन प्रवीणियो बोलियो, अटे तो की नहीं बचे लेकिन घरे गरुड़ पुराण जरूर बची। देखो सा मारवाड़ रे महीने तावड़ो तो ही पड़ रियो है। इन वास्ते एक एप्लीकेशन हुणो सा, सेवा में श्रीमती लुहू देवी मंत्री तावड़ा विभाग विषय, मारवाड़ में लू और तावड़ा कम करने हेतु। श्रीमती जी निवेदन है कि मोरे गाँव में आजकल लू और तावड़ा बहुत पड़ रिया है, इस कारण हमसे काम काज नहीं होता और रोता फिरने में भी परेशानी होती है। साथ ही हमारे गांव में आखा तीज के मौके पर छोरा छोरिया काला पड़ रिया है। अभी वैसा का महीना चालू है, थोड़ा लू और तावड़ा कम पड़े तो हमारे गांव रा छोरा छोरिया सगई आराम हो सके। जिन्हू की छोरा थोड़ा गोरा रही और मुंडा माते कपड़ो नहीं बांधना पड़ी। आप रो बड़ो मानुस लू तावड़ा पीड़ित देसावर छोरो। देखो सा दूसरे राज्य के लोग छुट्टे मनोन वास्ते कुन्नू मनाली मैसूर नैनीताल शिमला नी जाने कटे कटे जावे, और अपर मारवाड़ में बस लास्ट और फर्स्ट हथियार एक ही जे घूमड़ो है तो हाल नो ने हाल ना। मार साहब रमेश कहवे के बता रमेशिया बापू जी नाम पूरा कही अनवे जेल क्यों गया। रमेश उबो हो बोलियो, बापू जी पूरा नाम असराम बापू हो तो छोरी ने छेड़ने चक्कर में जेल गया है था। लड़कियां अक्सर अपने बॉयफ्रेंड का नाम फोन में इस तरह सेव करती है, माय लव स्वीटू डार्लिंग स्वीट हार्ट हनी बेबी जानून। और लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के नाम ऐसे सेव करते हैं, प्रवीण हलवाई राजू प्लास्टर बोड़ा फौजी सरपंच हवलदार रमेश या लंगड़ा प्रवीण या काना गनियो टकलो। हलवा पूरी होती है, भेल पूरी होती है, पानी पूरी भी होती है, बस कमबख्त नींद पूरी नहीं होती है। स्वॉट सबके चक्कर में मार सब के देश में सबसे ईमानदार पुलिस वाले कहाँ पाए जाते हैं। जितेन प्रवीण बोलियो, सावधान इंडिया एंड क्राइम पेट्रोल में गणेश जी री दो बुआ यती रिद्धि न सिद्धि, इंसान आ रही एक ही जोवे नवाई होवे जिद्दी। पत्नी कहवे तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। पति कहवे शाहजहां से भी ज्यादा। तो पत्नी कहवे मेरे मरने के बाद ताजमहल बनाओगे। पति कहवे मैं तो प्लॉट भी ले चुका हूँ पगली, बस तू ही देरी कर रही है। रूम लेके रहने वाले छोरे जब तक बर्तन नहीं धोते जब तक चाय कढ़ाई में बनाने की नौबत नहीं आ जाती। देखो सा मोरे मारवाड़ वाली एक खास आदत, कोई भी चीज साफ करनी हो नहीं तो बोली एक कोई गंदो कपड़ो दीजिए, मूंगफली खाते वक्त एक दाना नीचे गिर जाए तो सुन से ऐसी फीलिंग आती है जैसे पुरखों की संपत्ति हाथ से निकल गई। लड़की देखने का कार्यक्रम तय हुआ, लड़की वाले सीधे लोग थे। लड़का लड़की को बोलता है कि आपकी शिक्षा MFIAS, कहीं लड़की ये ना सोच ले कि ये अशिक्षित है। और बाद में वो लोग चले गए, शादी भी हो गई। शादी के बाद लड़के ने लड़की को पूछा MFIAS का क्या होता है, तो उसने बताया मैट्रिक फेल इन ऑल सब्जेक्ट। बेहोश हो गया। डॉक्टर कहवे आप खतरे से बाहर है फिर भी इतना क्यों डर रहे हो। तो मरीज कहवे जिस ट्रक से मेरी दुर्घटना हुई उस पे लिखा था जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। रमेश कहवे कि मने बीमारी है, खाने पचे मने भूख नहीं लगे, हम सोयार पचे मने नींद को नहीं आवे, काम करूँ तो थक जाऊं। तो डॉक्टर कहवे सारी रात धूप में बैठ रहे ठीक हो जाए। एक चीता सिगरेट पीने वाला था जितने में चूहा आया और बोला भाई छोड़ दो नशा, आओ मेरे साथ जंगल देखो कितना खूबसूरत है। और चीता चूहे के साथ चल दिया। आगे हाथी कोकिम पी रहा था, चूहा फिर बोला भाई छोड़ दो नशा, आओ मेरे साथ देखो जंगल कितना खूबसूरत है। और हाथी भी साथ चल दिया। और आगे शेर विस्की पीने की तैयारी कर रहा था, चूहे ने उसे भी वही कहा। शेर ने गिलास साइड में रखा और चूहे को 5-6 थप्पड़ मार दिए। तो हाथी बोला अरे भाई इसको क्यों मार रहे हो बेचारे को। तो शेर बोला ये साला भांग पी के ऐसे ही सबको रोज जंगल में घुमाता है, जोड़ों का दर्द क्या है सिर्फ जोड़े ही जानते हैं।
कुंवारों को इसका जरा भी ज्ञान को नहीं। जब पहली बार इंसान ने मछली का शिकार किया तो मछली ने इंसान को शराब दिया कि हे इंसान, तू भी एक दिन नेट में फंसोगे और बाहर नहीं निकल पाओगे। और आज उस मछली का शराब सच हो गया। पॉजिटिव एटीट्यूड देखो। पति कहे आज घर बहुत साफ दिख रहा है, क्या तुम्हारा व्हाट्सएप बंद है? तो पत्नी कहे अरे नहीं जी, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा था, खोजते खोजते सफाई हो गई। अर्ज किया है वो जहर देके मारते तो दुनिया की नजर में आ जाते, अंदाजे कत्ल तो देखो, हमसे शादी कर ली। कितना पर बोलियो, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, सबूत के तौर पर दो उंगली भेज रहा हूँ। जितेन प्रवीण बोलियो, सबूत पक्का नहीं है, मुंडी भेज मुंडी। एक आदमी कहे भैया बाल छोटे छोटे कर दो। तो नहीं कहे कितने छोटे करूँ साहब, इतने कर दो कि मेरी बीबी के हाथ में ना आ सके। डॉक्टर कहे आपके तीन दांत कैसे टूटे? तो मरीज कहे पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी। तो डॉक्टर कहे खाने से इनकार कर देते। तो मरीज कहे वही तो किया तभी तो टूटे। शादी के बाद बेडरूम कैसे महकता है? 3 साल तक परफ्यूम, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, 3 साल बाद जॉनसन पाउडर, जॉनसन क्रीम, बेबी लॉसन, हगीज डायपर, और 15 साल बाद झंडू बाम, आयोडेक्स, विक्स, मूव, और 40 साल बाद अगरबत्ती और धूप बत्ती। मार साहब कहे रमेश या तू कॉलेज के वास्ते आवे? जीते रमेश बोलियो विद्या वास्ते सर। तो मार साहब कहे कि तू आज सो क्यों रही है? जीते रमेश बोले आज विद्या को नहीं आई नहीं सर। विवाह वो खूबसूरत जंगल है जहाँ बहादुर शेरों का शिकार हिरणिया करती है। किसी ने मेरे से पूछा आत्महत्या 2 तरीके की होती है, पहली तेज और आसान, गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ। दूसरी धीमी और दर्दनाक, गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटकते रहो। कह दो समुद्र से मुझे जरूरत नहीं है उन लहरों की, बस एक बीवी ही काफी है जिंदगी में तूफान लाने के लिए, हंस हंस के पागल हो जाओगे। रमेश यो कहवे है कि पत्नी को बेगम क्यों कहते हो? जितेन प्रवीण यो बोलियो, क्योंकि शादी के बाद सारे गम पति के और पत्नी बेगम हो जाती है। एक कर्मचारी कहवे आपरे बॉस ने कि सर मैंने छुट्टी चाहिए। तो बॉस कहवे कि छुट्टी एक ही शरत मत मिलेला, कि बताओ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो कर्मचारी पाछो बोलियो कि सर हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी ना दी हो। तो बॉस कहवे ओ रे सिट, कितने दिन की छुट्टी दी तुमने? आम तौर पर कहा जाता है कि माँ बाप के कर्मों का फल औलाद को मिलता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि माँ बाप के कर्मों का फल उनके दामाद को भी भुगतना पड़ता है। अच्छे खासे आदमी की भूख मर जाती है जब बीवी कहती है खाना खा लो फिर कुछ बात करनी है। प्रथम घोड़ा वही आता है जिसका सवार अच्छा हो, और परिवार वही आगे बढ़ता है जिसका मुख्य समझदार हो। बिना सवार का घोड़ा बेलगाम हो जाता है, और बिना मुखिया के परिवार बढ़ जाता है। किसी भी मोड़ पे अगर मैं बुरा लगूं तो जमाने को बताने से पहले एक बार मुझे जरूर बताना, क्योंकि बदलना मुझे है जमाने को नहीं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो और सबको हंसा दो, यही है राज जिंदगी का, जियो और जीने दो। परेशानी का कोई मापदंड नहीं होता है साहब, हम केवल ये सोचकर परेशान रहते हैं कि वेस्ट इंडीज के लोग ऐसे हैं तो वहाँ के भूत कैसे होंगे। एक बार प्रवीणियो बॉर्डर माते लड्डू नवाजते गयो, पर ओ सोचो ना रस्ते पाचो आई गयो कि घरवाले नहीं डरे मारो तो दुश्मन का ही डर ही। नींद आंखें बंद करने से नहीं, नेट बंद करने से आती है। भूखे की रोटी और एंड्रॉइड फोन वाले को चार्ज देना पुण्य का काम है। पहले लोग बेटा के लिए तरसते थे और अब डेटा के लिए तरसते हैं। बच्चे बिगड़ जाए तो मोबाइल जिम्मेदार, और मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार। बदल गया जमाना, पहले माँ के पैर छूकर निकलते थे और आजकल मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। कुछ लोगों का रात को अचानक मोबाइल का बैलेंस खत्म हो जाता है और इतना परेशान हो जाते हैं मानो कि सुबह तक वो इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा जिससे बात करनी है। कुछ लोग बैटरी 1-2% पे होती है तो चार्जर की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे उसे कह रहे हो तुझे कुछ नहीं होगा भाई, आंखें बंद मत करना, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग अपने फोन में ऐसे पैटर्न लॉक लगाते हैं जैसे ISI की सारी गुप्त फाइलें उनके मोबाइल में ही पड़ी हो। गलती से मोबाइल किसी दूसरे दोस्त के वहाँ छूट जाए तो ऐसा लगता है जैसे अपनी भोली भाली गर्लफ्रेंड को शक्ति कपूर के पास छोड़ के आया है। सभी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों से निवेदन है कि आप मोबाइल फोन बड़ा करते जा रहे हो उसमें ऐसी भी व्यवस्था और कर दो, पीछे के ढक्कन में 2 आलू के पराठे, सूखी सब्जी और अचार आ जाए।